वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आई से गुड आफ्टरनून. वेलकम टू द सेशन. आज हमारा है संडे स्पेशल सेशन जिसमें मैंने डाले आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन. लेकिन ये पूरे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस नहीं होंगे. जो सब्जेक्ट मैं आपके डील करती हूँ, आपके जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, सीड साइंस, इन एपिकल्चर, सेरिकल्चर, इनसे रिलेटेड जो भी आपके AFO में पिछले 21 and 20 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आज की क्लास में डाले हैं. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी संडे स्पेशल क्लास को. एंड उससे पहले जो भी लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन सभी को बता दें, अड्डा 24/7 की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, पावर कैप्सूल मिलेंगे, डेली क्विज मिलेगी. तो बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है और जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करता है. सो गो ऑन द प्ले स्टोर, टाइप ADDA247 और डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 की ऐप. अब बात करते हैं हमारी आज की क्लास की. तो हमारी आज की क्लास है जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, राइट. लेकिन उससे पहले सबको क्या करना है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे. चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट से. एंड वन मोर सरप्राइज आज की क्लास का क्या है, जी हाँ, आप लोगों को आज कोई MCQs नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट हैव अ मल्टीपल चॉइस. आप सभी को खुद ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास. साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है बताओ फटाफट से. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस. क्या होगा, यस, ओराइजस अ टाइप. आई थिंक ये सबको पता भी है ना, एवरीबडी नोज इट. सो साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज ओराइजा सटाइवा, राइट. चलिए नेक्स्ट, यूरोपियन हनी बी कॉल्ड एज, यूरोपियन हनी बी का दूसरा नाम क्या है, यूरोपियन हनी बी का, या फिर कहें साइंटिफिक नाम क्या है, नॉट दूसरा नाम. पहला क्वेश्चन तो थोड़ा आसान था, वैसे दूसरा भी इतना मुश्किल नहीं है. यूरोपियन हनी बी इज कॉल्ड एज, यूरोपियन हनी बी का दूसरा नाम क्या है. क्या रखेंगे हम, अच्छा साइड में कार्टून दिख रहा है सभी को, मैंने इसके नाम चिंकी रखा है. देखो चिंकी इतना पढ़ रही है, आप लोगों को भी इतना ही पढ़ना है तभी एग्जाम पास होगा, ठीक है. यस द आंसर विल बी एपिस मेलिफेरा. आंसर क्या होगा, एपिस मेलिफेरा. तो सबसे ज्यादा हम एपिस मेलिफेरा को ही ग्रो करते हैं, ग्रो कहेंगे नहीं, कल्चर करते हैं, राइट. तो सबसे ज्यादा हम एपिस मेलिफेरा को ही कल्चर करते हैं या ग्रो करते हैं. और इसको और क्या कहते हैं, यूरोपियन बी के अलावा इटालियन बी बीसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इटालियन बी. ये एपिस मेलिफेरा जो है शांत स्वभाव की होती है, ज्यादा एब्सकॉन्डिंग या स्वार्मिंग नहीं करती, एक ही जगह टिक कर रहती है, इसीलिए हम इसको जो है ज्यादा यूज करते हैं. साथ ही साथ इसकी हनी प्रोडक्शन काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 35 kg पर ईयर ये हमें हनी दे देती है, ना ज्यादा स्वार्मिंग करती है ना ज्यादा एब्सकॉन्डिंग करती है. तो इसीलिए एपिस मेलिफेरा को ही एपिकल्चर में प्रिफर किया जाता है, राइट. इसी का नाम यूरोपियन हनी भी है, इसी का नाम इटालियन भी है. तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा होपफुली अब आप कर पाएंगे, है ना. चलिए नेक्स्ट इज सिल्क प्रोटीन. वैसे तो क्वेश्चन एक ही सिल्क प्रोटीन का पूछा गया था ऑप्शन में, लेकिन बेसिकली सिल्क में दो प्रोटीन होते हैं, आप लोगों को दोनों के नाम बताने हैं. सिल्क प्रोटीन उनका क्या नाम है, सिल्क प्रोटीन का नाम क्या है फटाफट से बताइए. मेरी सेरिकल्चर की क्लास अटेंड की होगी तो जरूर बता पाएंगे. सिल्क प्रोटीन,
सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं, जो धागे होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, है ना। आपके सिल्क वॉर्म के कोकून से निकाले जाते हैं। तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? जैसे हमारे बाल हैं, बालों में कैरेटिन होता है ना, इसीलिए कैरेटिन ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। यस, वेरी गुड भावना। सो द आंसर इज सिरिसिन एंड फाइब्रोइन। ठीक है, अब सिरिसिन जनरली लोगों को याद होगा क्योंकि पिछली बार आ चुका है एग्जाम में, या वैसे भी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ फिब्रोइन भी जो है सिल्क का ही प्रोटीन है। ठीक है, ये दो मेजर प्रोटीन सिल्क के फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, सेरेसिन एंड फिब्रोइन। तो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सेरेसिन, कुछ आंसर कर रहे हैं फिब्रोइन। तो दोनों को याद रखना है आप लोगों ने, सेरेसिन प्लस फिब्रोइन। चलिए नेक्स्ट, विच केमिकल इज यूज इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग? पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग में किस केमिकल का यूज किया जाता है? इसको और ढंग से अगर मैं समझाऊं तो ब्रीडिंग में जब पॉलीप्लॉइडी करते हैं तो पॉलीप्लॉइडी किस केमिकल की हेल्प से करते हैं? पॉलीप्लॉइडी होता क्या है? अगर आपके सेल में 2n है, यानी कि एक क्रोमोसोम की दो कॉपी है, ठीक है, इसको 4n बनाना है, तो इसमें एक केमिकल यूज होता है। ठीक है, सी फॉर उस केमिकल का नाम है। ठीक है, तो ये आपका 4n हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है ये केमिकल की वजह से होती है। यस, ज्योति इज वेरी वेल राइट, द आंसर इज कोल्चिसिन। ठीक है, क्रोमोसोम डबलिंग किसे किसकी वजह से होती है? कोल्चिसिन की वजह से होती है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम डबलिंग भी पूछ ले पॉलीप्लॉइडी की जगह तो आंसर बदलेगा नहीं, आंसर क्या रहेगा? कोल्चिसिन रहेगा। ठीक है, तो ये कोल्चिसिन जो है ये आपके क्रोमोसोम्स के अमाउंट को डबल कर देता है। तो पॉलीप्लॉइडी तो अपने आप हो जाएगी 2n से 4n, 4n से 8n, इसीलिए इसको पॉलीप्लॉइडी में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट्स इज टर्म्ड एज। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जय, क्या होगा आंसर? सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट्स इज टर्म्ड एज, दोनों पेरेंट्स के ऊपर अगर हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग है ना। देखिए, ये अगर पेरेंट वन है, ये पेरेंट टू है, और इन दोनों के क्रॉस से जो हमें हाइब्रिड मिला है, अब ये हाइब्रिड इन दोनों पेरेंट से अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? यस, इसको कहते हैं हेटरोसिस। क्या कहते हैं? हेटरोसिस। ठीक है, इसकी जगह हो सकता है कभी आपको एग्जामर हेटरोसिस की जगह हेट्रोबेल्टियोसिस दे दे। हेट्रोबेल्टियोसिस का मतलब भी यही होता है, सुपीरियर ओवर बोथ द पेरेंट्स। देखो, हेट्रोसिस कई टाइप का होता है। एक होता है एवरेज हेट्रोसिस। एवरेज हेट्रोसिस, एवरेज हेट्रोसिस क्या है? ये हाइब्रिड इन दोनों पेरेंट्स की एवरेज से अच्छा परफॉर्म करे, एवरेज से, यानी कि दोनों पेरेंट्स की वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय टू करेंगे जो आंसर आएगा उस एवरेज से अच्छा इस हाइब्रिड का रिजल्ट है, तो इसको एवरेज हेटरोसिस कहते हैं। ये पेरेंट सुपीरियर है और ये हाइब्रिड इस पेरेंट से भी अच्छा बिहेव कर रहा है, तो इसको हेट्रोबेल्टियोसिस कह देते हैं। और एक होता है इकोनॉमिक हेटरोसिस। इकोनॉमिक हेटरोसिस, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इकोनॉमिक हेट्रोसिस क्या है? देखो भाई, अगर ये हाइब्रिड अच्छा तो परफॉर्म कर रहा है P2 से, लेकिन मार्केट में एक और हाइब्रिड है, बहुत अच्छा हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड इस हाइब्रिड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या कोई मेरा हाइब्रिड खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? अगर मार्केट में इससे अच्छा हाइब्रिड मिल रहा है तो कोई मेरा हाइब्रिड क्यों खरीदेगा? उसके पास कोई रीजन नहीं है। तो मेरे पास हेट्रोसिस तो है, मेरे P2 से अच्छा तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस हेट्रोसिस का कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होगा? फायदा जब होगा जो मार्केट में सबसे अच्छा हाइब्रिड है उससे भी अच्छा मेरा हाइब्रिड परफॉर्म करेगा, है ना। बेस्ट कमर्शियल चेक से जब आपका हाइब्रिड अच्छा बिहेव करता है तो उसे इकोनॉमिक हेट्रोसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बेस्ट कमर्शियल चेक, यानी कि मार्केट में जो सबसे बेस्ट वैरायटी है हम उससे अगर कंपेयर करें और हमारा हाइब्रिड उससे अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक हेटरोसिस। इकोनॉमिक हेटरोसिस इसलिए कहते हैं कि भाई पैसा तो इसी से आने वाला है, लोग इसी को खरीदने वाले हैं, इसको प्रीफर करने वाले हैं,
इसीलिए इसको इकोनॉमिक हेट्रोसिस कहा जाता है। चलिए, व्हाट इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड? मस्टर्ड की फैमिली कौन सी होती है? मस्टर्ड की फैमिली कौन सी होती है? सरसों किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्या होगा आंसर? व्हाट इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड? ब्रसिका फैमिली, क्रूसीफर फैमिली, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस में कौन कौन आते हैं और एग्जाम्पल क्या है? क्रूसीफर फैमिली के और क्या एग्जाम्पल्स हैं? कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, है ना, ये सब आपके क्रूसीफर फैमिली से बिलोंग करते। दे ऑल बिलोंग टू क्रूसीफर फैमिली इंक्लूडिंग मस्टर्ड। ठीक है, क्रूसीफर ब्रैसिकी भी सही है एज पर योर व्हाट से एमसीक्यूज में जो भी आपका ऑप्शन दिया हो वो आप लगा सकते हैं। नहीं, कुकुम्बर नहीं आएगा बच्चा। कुकुम्बर इज कुकरबिटेशी फैमिली, एक फैमिली होती है कुकरबिटेशी फैमिली। इस फैमिली में आते हैं कुकुम्बर, बॉटल गोर्ड, मतलब सारे गॉड्स एक्चुअली, बॉटल गॉड, राउंड गॉड, स्पॉन्ज गॉड, सारे गॉड्स जो है इसमें आते हैं। सारे मेलन्स इसमें आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर भी इसमें आते हैं। तो ये है कुकरबिटेशी फैमिली। क्रूसीफर फैमिली में आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जैसे जो आपकी स्पीशीज हैं वो आती है। ठीक है, तो ब्रासिकेशी भी ठीक है, क्रूसीफेरस भी ठीक है, एज पर जो भी आपके एमसीक्यूज में गिवन हो उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। Petals having horn-like projection on head, black body and attacks open terminal portion. हाँ, pumpkin भी cucurbitaceae में आएगा। वो कौन सी beetle है जिसके horn present होता है, horn यानी कि सींग present होता है, black color की body present होती है और open terminal portions पर attack करती है, तो इस beetle का क्या नाम है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा? हॉर्न, इसकी एक हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन है। बताइए कौन सी बिटल हो सकती है? इसीलिए जब मैं आपको करवाती हूँ कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइंग मार्क होता है तो मैं अक्सर आपको क्लास में बताती हूँ कि इसका ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जी, वेरी गुड गिरीश, इट इज राइनोसोरस बिटल। क्या आंसर होगा? राइनोसोरस बिटल। तो राइनोसोरस बिटल के नाक पर इस तरीके से सींग होता है जैसे आपके राइनोसोरस के नाक पर होता है, तो इसका नाम है राइनोसोरस बिटल, क्योंकि राइनोसोर से इसकी जो फिजिक है वो मिलती है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच ऑर्डर? पियर्सिंग एंड सकिंग, छेद कीजिए और सक कीजिए, ऐसे माउथ पार्ट्स किस ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं? देखो, पियर्सिंग एंड सकिंग किस में प्रेजेंट होते हैं? मस्कीटो में। मस्कीटो हम सबको पता है ना, पियर्स करता है हमारी स्किन में और सक करता है सैप को। तो मस्कीटो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच ऑर्डर? गुड मॉर्निंग गुडिया। हेमिप्ट्रा ऑर्डर, वेरी गुड। तो हेमिप्ट्रा ऑर्डर में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेमिप्ट्रा ऑर्डर में आपके क्या आते हैं? प्लांट बग्स, है ना, बग्स आपके किस में आते हैं? हेमिप्ट्रा ऑर्डर में आते हैं। साथ ही साथ इसमें मॉस्किटो भी आता है, है ना, तो मॉस्किटो और आपके बग्स में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। Scratching, rubbing and softening of seed coat to make it more permeable to water is, आप seed coat को scratch करते हैं, rub करते हैं, उसे soft बनाते हैं, किसी भी सोग जैसे soaking करते हैं ताकि seed coat soft हो जाए और उसमें ज़्यादा permeability रहे पानी की, वो पानी ज़्यादा absorb कर सके।
नहीं बच्चे, थ्रिप्स में आपका ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट नहीं होता है, थ्रिप्स में रास्पिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है। भाई देखो, मुझे क्या पता कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आ सकती है। मैं कोई गवर्नमेंट में थोड़ी ना हूँ। वेरी गुड, इसका आंसर है स्कैरिफिकेशन। देखो, अगर हम सीड कोट को नरम बनाते हैं, उसमें क्रैक्स क्रिएट करते हैं, उसको रब करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं सीड कोट के साथ, उसको उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, उसको परमिएबल बनाने के लिए, तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? स्कैरिफिकेशन। ठीक है, वही अगर आप टेम्परेचर को रोल में लेकर आते हैं ना, हाई टेम्परेचर देते हैं या लो टेम्परेचर देते हैं जिसकी वजह से डोरमेंसी ब्रेक हो सके, है ना, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए अगर आप टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और सीड कोट को नर्म करते हैं तो इसको कहते हैं स्कैरिफिकेशन। ठीक है, आ जाइए बच्चे, AFO का तो सब कुछ तय होता ही है, पहले से आपकी डेट्स फिक्स हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बस वैकेंसी का इंतजार रहता है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है ना। ओ कोई बात नहीं, इस बार थोड़ी सी मेहनत जो थोड़े से उससे रह जाते हैं ना, अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे, थोड़े से मार्क्स से अगर रह जाते हो तो इसका मतलब आपको इतनी सी और मेहनत करने की जरूरत है, या फिर इट वाज जस्ट अ लक। ठीक है, तो अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, दिल छोटा कतई नहीं करें। अगर थोड़े से मार्क्स से रहे मतलब कैलिबर तो है, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते। चलिए, बोटानिकल नेम ऑफ पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट का बोटानिकल नेम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ पोमेग्रेनेट, क्या कहेंगे पोमेग्रेनेट को हम? पुनिका ग्रेनेटम। क्या कहेंगे? पुनिका ग्रेनेटम। ठीक है, पोमेग्रेनेट है, ग्रेनेट को ग्रेनेटम से जोड़ना है, ग्रेनेट को ग्रेनेटम से जोड़ना है, पुनिका ग्रेनेटम, साइंटिफिक नेम ऑफ पोमेग्रेनेट। चलिए, आइसोलेशन रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा, ओकरा के फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए कितना आइसोलेशन डिस्टेंस चाहिए होता है? आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा, कितना चाहिए होगा? वेरी गुड, 400 मीटर। फाउंडेशन के लिए 400 मीटर, सर्टिफाइड के लिए 200 मीटर। ठीक है, सेक्स अट्रैक्टेंट इन ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट इज नॉन एज, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए हम सेक्स अट्रैक्टेंट का यूज करते हैं। सेक्स अट्रैक्टेंट क्या होते हैं? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? जी विवेक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सेक्स अट्रैक्टेंट इन ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट इज नॉन एज, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए दूसरे सेक्स हार्मोन्स का यूज किया जाता है ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो इनको हम क्या कहते हैं? फेरोमोन्स कहते हैं। यस राइट, फेरोमोन्स कहते हैं। देखिए भाई, मच मोर ने तो मच मोर दे दिया आप लोगों को पोमेग्रेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ, तो इनको हम फेरोमोन्स कहते हैं, तो फेरोमोन्स को हम यूज करते हैं दूसरे सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे हम मेल हार्मोन्स का यूज करेंगे फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे ही वो वहां पर आएंगी अट्रैक्ट होकर हम उन्हें कैच कर लेंगे, तो इनको हम फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं। एफिड ट्रांसमिटेड डिजीज इन टबैको, टबैको में एक डिजीज है जिसे एफिड ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट का मतलब है उसको फैलाता है ना, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलते हैं, उसी तरीके से टबैको में जो डिजीज है वो एफिड से फैलती है। अब इस डिजीज का नाम क्या है ये आप बताएंगे?
क्या होने वाला है इस डिजीज का नाम? टबैको लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, टबैको लीफ कर्ल वायरस। वही देखो, कॉटन में भी लीफ कर्ल आता है, ठीक है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। लेकिन कॉटन का लीफ कर्ल वायरस को कौन फैलाता है? व्हाइट फ्लाई, ठीक है, कॉटन के लीफ कर्ल वायरस को कौन फैलाता है? व्हाइट फ्लाई। और टबैको के लीफ कर्ल वायरस को कौन फैलाता है? एफिड, ठीक है। व्हाइट मस्कार्डिन डिजीज अकर्स इन, व्हाइट मस्कार्डिन डिजीज किस में होती है, किससे रिलेटेड है ये व्हाइट मस्कार्डिन डिजीज? व्हाइट मस्कार्डिन डिजीज अकर्स इन, सिल्क वॉर्म। मैंने आपको सिल्क वॉर्म में पढ़ाया था, इसमें ग्रीन मस्कार्डिन भी आती है और व्हाइट मस्कार्डिन भी आती है। व्हाइट मस्कार्डिन किसकी वजह से होती है? ब्यूवेरिया की वजह से होती है, ब्यूवेरिया बेसियाना, ठीक है, यस, सिल्क वॉर्म की में है। और ग्रीन मस्कार्डिन भी पूछे तो ये भी आपके सिल्क वॉर्म की ही डिजीज है, ठीक है। ब्लू टैग इज रिलेटेड टू विच सीड? ब्लू टैग किस सीड क्लास में होता है? फाउंडेशन सीड, न्यूक्लियस सीड, सर्टिफाइड सीड, किस सीड में ब्लू टैग लगा हुआ होता है? ब्लू टैग इज रिलेटेड टू विच सीड? भाई देखो, संडे स्पेशल क्लास है, एक लाइक तो बनता है, मतलब सब एक ही बार करना है, दो बार कर देंगे तो काउंट नहीं होगा ना। हाँ, सर्टिफाइड सीड। ब्लू टैग किस में होता है? सर्टिफाइड सीड में होता है, राइट, वेरी गुड। जर्मिनेशन परसेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ वीट इज, सर्टिफाइड सीड अगर आप लेते हैं मार्केट से वीट यानी कि गेहूं का, तो उसमें लगभग कितनी जर्मिनेशन परसेंटेज होनी चाहिए? 80%, 70%, 90%, कितनी जर्मिनेशन होनी चाहिए? वेरी गुड सचिन, 85%, कितनी होनी चाहिए? 85% इसमें जर्मिनेशन होनी चाहिए। सबसे कम जर्मिनेशन परसेंट बताइए किसकी है? सबसे कम जर्मिनेशन परसेंट किसकी है? सबसे कम जर्मिनेशन परसेंट किसकी है? कॉटन की, ठीक है, कॉटन में ज्यादा से ज्यादा 70% तक जर्मिनेशन जाती है, इससे ज्यादा जाती ही नहीं है, ठीक है, तो सबसे कम जर्मिनेशन परसेंटेज कॉटन की है। स्वार्मिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोपगेशन फॉर बी, ट्रू और फॉल्स? इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। हाँ, जनरली कॉटन की 60% होती है, मैक्स टू मैक्स 70 जाती है, इससे ऊपर कभी नहीं जाती। स्वार्मिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोपगेशन फॉर बी, प्रोपगेशन का मेथड है स्वार्मिंग। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है भाई। प्रोपगेशन क्या होता है? चलना फिरना, प्रोपगेट करना। फॉल्स स्टेटमेंट है। स्वार्मिंग क्या होता है? व्हाट इज स्वार्मिंग बताओ जरा, एनी वन ऑफ यू?
फार्मिंग होता है भाई, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बनाना, ठीक है, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बनाना, इसको स्वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रोपगेशन का मेथड नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। इमेच्योर स्टेज ऑफ गवावा फ्रूट फ्लाई इज कॉल्ड एज, गवावा फ्रूट फ्लाई की जो इमेच्योर स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इमेच्योर स्टेज ऑफ गवावा फ्रूट फ्लाई इज कॉल्ड एज मेगेट्स। कोई भी फ्लाई हो, है ना, कोई भी फ्लाई हो, उसकी इमेच्योर स्टेज को मेगेट्स ही कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? मेगेट्स आएगा, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म के लिए कौन सा बायो कंट्रोल यूज किया जाता है? क्या बायो कंट्रोल एजेंट यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कॉटन बॉलवॉर्म? इट इज अदर देन बीटी। बीटी को ये आंसर नहीं करेगा, कुछ और आंसर करना है आपने, ठीक है। अदर देन बीटी, बायो कंट्रोल एजेंट यूज्ड फॉर कॉटन बॉलवॉर्म, बिवेरिया बैसियाना। बिवेरिया बैसियाना, ठीक है। ये क्या करता है? अभी तो बताया था ये क्या करता है, ये व्हाइट मस्कार्डन डिजीज कॉज करता है, जिसके कारण मर जाते हैं कैटरपिलर्स, ठीक है। कॉटन बॉलवॉर्म किससे है? लैपिडॉप्टरा से है ना। और आपका सिल्क वर्म किससे है? लेपिडॉप्टरा से है। तो बिवेरिया अगर उसमें व्हाइट मस्कार्डन कर सकता है, तो इनमें भी डिजीज कॉज कर सकता है। एक्चुअली व्हाइट मस्कार्डन नहीं कहते हैं यहाँ पर, सिर्फ मस्कार्डन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाइट को मिटा देते हैं, मस्कार्डन डिजीज की वजह से ये उसको कंट्रोल में रख सकता है उनकी पॉपुलेशन को, राइट। यस, ट्राइकोग्रामा भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ट्राइकोग्रामा कार्ड्स भी यूज किए जाते हैं, विवेरिया बैसियाना भी यूज किया जाता है, एज पर योर ऑप्शंस देख लीजिएगा। और बीटी भी बायो कंट्रोल में ही आता है कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन में कौन सा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बीटी इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज्ड टू कॉम्बैक्ट, बीटी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, तो ये किस चीज के अगेंस्ट बनाई गई थी बीटी? बीटी इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज्ड टू कॉम्बैक्ट व्हाट? आंसर विल बी जी, मिशन सरकारी दामाद। वाओ, दैट्स नाइस, नाम ही ऐसा रखा है, तो कुछ करके ही निकलना है। हाँ यस, बॉल वर्म के खिलाफ, अभी तो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, है ना। बीटी जो क्रॉप है ये बॉल वर्म के खिलाफ बनाई गई थी, स्पेशली फॉर पिंक बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म, है ना, अमेरिकन बॉल वर्म। बहुत सारे बॉल वर्म हैं जो कॉटन में आते हैं, फीड करते हैं, हमारी ईल्ड को कम करते हैं, कॉटन को नुकसान करते हैं। तो बॉल वर्म के खिलाफ जो है ये बीटी ट्रांसजेनिक्स बनाए गए थे, ठीक है। तो इन बीटी में जीन कौन सा है? Cry1AC। बीटी में जीन कौन सा है? Cry1AC, ये जीन यूज किया गया है। और बीटी क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है ये, जिसका नाम है बेसिलस थ्रेंजनेसिस, जिसे ये जीन लिया गया है, ठीक है। और किस कंपनी ने बनाया बीटी सबसे पहले, ये बताएंगे आप? बीटी सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था?
लतामई फटाफट बॉल गॉड तो नाम था बच्चे, वैरायटी का नाम बॉल गॉड रखा गया था, कंपनी बॉल गॉड नहीं थी, वैरायटी का नाम बॉल गॉड रखा गया था। ठीक है, अभी भी बॉल गॉड 1 2 3 बहुत सारी आती हैं, ये वैरायटी है आपकी बीटी कॉटन की। कंपनी, किस कंपनी ने यह बीटी कॉटन बनाया है? यस, मोनसेंटो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा, संडे स्पेशल सेशन था, एंजॉय भी किया होगा। एंड दीज आर योर बैचेस गाइज, ये आपका ऑलरेडी रनिंग बैच है, जो पहला बैच देख रहे हैं, इट इज ऑलरेडी रनिंग। 26 सेप्टेम्बर से इसकी क्लासेस शुरू हुई थी एंड इसकी फीस क्या है? 2799 अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे Y448A। वहीं आपका दूसरा जो नया बैच आने वाला है IBPS AFO का, इसमें 11 नवंबर से क्लास शुरू हो रही है, 11th of November से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। इसमें सिलेबस थोड़ा फास्ट मूविंग रहेगा, क्योंकि भाई टाइम कम है, सारा सिलेबस कवर करना है, तो फास्ट मूविंग सिलेबस रहेगा इसमें। 11 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हैं। फीस यहाँ पर लिखी हुई है 3220, राइट, 3220 इसकी एनरोलिंग फीस है विद द कोड Y448। ठीक है, तो ये आपका नया बैच है जो 11 नवंबर से शुरू होना है, जो थोड़ा फास्ट मूविंग बैच रहेगा। ये आपका डिटेल्ड बैच है जो कि अच्छी तरह डिटेल में चल रहा है, एज पर यू कन्वीनियंट आप एनरोल कर सकते हैं। अगर जैसे ऑलरेडी बैच में एनरोल करेंगे तो फीस तो कम है ही, इसमें कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, ये डिफरेंस है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी जो हो चुकी है, प्लस फिर उसके बाद आप लाइव क्लासेस जो चल रही हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहें नहीं मैम रिकॉर्डेड क्लास देखने का मूड नहीं है, तो 11 नवंबर से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 3220 है, 3220 विद कोड Y448। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक उनके लिए जो मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं पूरे साल, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका चल रहा है डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ, डबल वैलिडिटी प्लस 80% ऑफ ऑन योर एग्रीकल्चर महापैक। तो इसमें आपको फीस पे कितनी करनी पड़ेगी? 6399, जिसमें आपको 6,500 से कम में, सोचो 2 साल के लिए आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी जो भी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर चल रही है, राइट। इसमें आपको कोड लगाना है Y448A। तो महापैक लेते हुए ए लगाना है, या फिर आप पुराने बैच में जाएंगे तो भी आपको ए लगाना है। ये ए कोड सिर्फ नए बैच में काम नहीं करेगा, तो नए बैच में आपको बेसिकली 77% का डिस्काउंट मिलता है और पुराने बैच में आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है। वही अगर आप ऐप से एनरोल करते हैं तो 80 की जगह 81% का डिस्काउंट हो जाता है जब आप ऐप से करते हैं यूजिंग द सेम कोड Y448A। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर 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 करें, एंड शेयर भी जरूर 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 करें, एंड सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। गुड बाय, टेक केयर, अपना संडे एंजॉय कीजिए, बहुत ही पीसफुल हैप्पी हैप्पी संडे आपका जाए, यही मेरी मनोकामना है। गुड बाय, टेक केयर।